तो गुरु, कुछ दिनों से आदि पुरुष के टॉपिक से दूर रहने के बाद कुछ नई नई विशेष चराचर समस्याएं हमारे सामने आई हैं कि 3D में टीजर अल्फा हो गया, PR काफी दबा के काम कर रहा है, कितने लोगों के ओपिनियंस बदल गए, इवन ऑन फकिंग YouTube। तो तुम मेरे से अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? और अब मैं बताऊं तो एक्चुअली टीजर 3D में अभी भी बुराई है। यार मैं अपने स्टैंड के साथ अभी भी स्ट्रॉन्ग ही रहूंगा, लेकिन उसी के साथ साथ अपना सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न आता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या अभी भी होप लगाना अच्छी बात रहेगी कि अभी जो भी 2-3-1 महीने बचे हुए हैं, क्या उनमें पिक्चर को बचाया जा सकता है? तो गुरु, मेरा मानना ये है कि जो होना था वो हो गया। दिस मूवी कैन नॉट बी सेव्ड। जहां पे अगर मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात करूं कि अगर स्टूडियो किसी और डायरेक्टर को इसे ठीक करने को बोल दे या फिर किसी और VFX स्टूडियो को इसे ठीक करने को बोल दे, तो वो भी इसे नहीं बचा सकता। नॉट इवन जॉश वेडन भी इसे नहीं बचा सकते। नहीं समझ आया? करीब आओ। मैंने जब बोला था कि कैरेक्टर्स के बेसिक्स या फंडामेंटल हिले हुए हैं, तो उस बात का तात्पर्य ये था कि एनिमेशन, मतलब कि वो बवाल एनिमेशन नहीं, बल्कि जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्गेनिकली उसी एनवायरनमेंट में कोएग्जिस्ट करने की बात है, वो जो आसमान से वो जो डीमंस वुमन उड़ रहे हैं ना, उनका मूवमेंट तक तुम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के डीमंस के मूवमेंट से कंपेयर ही कर सकते हो, क्योंकि हाल फिलहाल में वही बेस्ट रहेगा, जो कि वो बेसिक्स कितने गंदे तरीके से एनिमेट हुए हैं। अब जो कि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई PGR तो क्या बात कर रहा है, मार्वल की पिक्चर को इससे क्यों कंपेयर कर रहा है, तो बता दूं इसके मेकर्स ने इस पिक्चर को मार्वल DC की मूवीज से कंपेयर किया है, ये उस ऑडियंस के कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं। सोच लो उस ऑडियंस को कितना गंदा ट्रांजिशन लेना पड़ेगा वहां से यहां तक इसे कन्विंस करने के लिए। तो देख लो मार्वल DC की ऑडियंस कंपेयर करके, और ऊपर से भाई जहां एनिमेट नहीं भी करना चाहिए वहां भी एनिमेट किया हुआ है। प्रभास कितनी वियर्डली तरीके से उठ रहे हैं, ऊपर से वो हवा में बाहुबली का पोज मारना राजमौली नहीं बेहतर कर दिया था? ऊपर से ये दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने टाइम से चल रहे हैं, और ऊपर से अभी मेरे से मत पूछना कि इस खुली नदी के बीच में प्रभास हवा में कैसे पहुंचा। और ये बुरे एनिमेशन का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता, ये बेचारा बैट, ये वॉर सीन, उसके बाद सुग्रीव वो बाली वाला किंगडम, बहुत ही गंदा काम किया। एंड इवन दो भाई टीजर में कैरेक्टर्स के शॉट्स पे लाइटिंग भी ढंग से नहीं पड़ी है, आगे पीछे दाएं बाएं कहां से लाइट्स कैसे आ रही हैं, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। इसको कहने को भाई ये 500 करोड़ की पिक्चर लगती है, मगर एक बैकग्राउंड बता दो जो एक दूसरे के साथ कन्विंसिंग लगे। इवन नाउ अभी मेरे ऊपर सवाल भी होंगे कि भाई जी यार अभी सिर्फ 90 सेकंड के टीजर से भाई तो मूवी कैसे पूरी जज कर सकते। तो बता दू जो कोई भी बंदा मूवी थोड़ी सी एंथुजियास्टिकली देखता है, और मैं पर्सनल लेवल पे बोलूं तो भाई 3 साल से मोटी मोटा इस धंधे में हूं, और ये स्किल मेरे पास ही नहीं बाकी क्रिएटर्स के पास और ऑडियंस के पास भी है, वो टीजर ट्रेलर देख के बता देते हैं कि पिक्चर कैसी होगी। आई मीन जब मैंने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का पहली बार ट्रेलर देखा था ना, एक इंडी मल्टीवर्स मूवी, तो भाई ट्रेलर देख के ही फील हो गया था कि भाई पिक्चर कितनी अच्छी होने वाली है। और हाँ, एक फन फैक्ट बता देता हूँ, उस पूरी मूवी के VFX में सिर्फ 5 लोग थे। तो गुरु मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, अगर इस पिक्चर को किसी तरीके से सेव किया जा सकता है तो जो भी बचे कुछ एक्टर्स है ना उन्हें भी हटा के उन्हें एनिमेट कर दो, मूवी को एज एन एनिमेशन मूवी की तरह बेचो, रादर देन चैनल पे जाके इसे एक्ट को जस्टिफाई करने। अब हाँ भाई, हमें एक बात ये भी समझ के चलनी चाहिए कि एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, क्योंकि भाई उन्होंने पिक्चर बनाई, वो इंटरनली क्या सोच रहे होंगे, हंस रहे होंगे, रो रहे होंगे, वो बात की बात, जो कि मैं मानता हूँ कि उन्हें पता है कि उन्होंने अंदर से कैसा काम किया है, मगर अभी पिक्चर इतनी शुरुआती तौर पर प्रमोट हो रही है तो भाई वो नहीं कह सकते पिक्चर मत देखो, क्योंकि भाई एज अ बिजनेस पर्सन कोई भी अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। तो गुरु वो तो अपने माल को डिफेंड करते रहेंगे, मगर एज एन ऑडियंस हमें सच को देखना है। मगर मैं व्यक्तिगत तौर से इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इवन भाई ऑन पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल दोनों पे भी नहीं। एक काम ये पिक्चर कर सकती है कि दिस मूवी कैन सेट द बार सो लो कि भाई ये एग्जांपल सेट कर सकती है कि इतना गंदा काम नहीं करना चाहिए। और जहां बात रही समोसे की, तो ऑडियंस के व्यूज से ही समोसा खाना अच्छी बात रहेगी, और रेकमेंड भी करूंगा। इसके ऊपर कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, प्रभु श्रीराम और कुछ बाकी कैरेक्टर्स का प्रेजेंटेशन तो मेरे को भी पसंद नहीं आया, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही एमेचरिश है, और जो मॉडर्न क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे इन्होंने कहानी की लंका लगाई है वो तो भाई पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा कि इन्होंने कैसा मॉडर्न इसे बनाया है। इसके अलावा इन माय ओपिनियन आदि पुरुष को नहीं बचाया जा सकता, इवन दो अगर मैं इसे हाइपोथेटिकली भी सोच के बोलूं ना कि भाई तो भी मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं दिल से रामायण को ऐसे देखता ही नहीं। खैर तुम बताओ कि तुम दिल से रामायण को कैसे देखते हो, अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स जरूर बताना। और उन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने आदि पुरुष के ऊपर और भी बातें की हुई है, जैसे आप मेरी इस वाली वीडियो में देख सकते हो, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए PG Explain।